एक ही बंदा है इंडस्ट्री में जो सोके भी उड़ता है तो हैंडसम दिखता है ये तो सबको मारता है लाइने सबको मारता है तो क्यों मारता है सबकी तारीफ भर भर के रकाडी ने जान दे रहो हाँ हाँ आप पूछ लो कैसे भाई चलो सर रोल रोल कर पूछ पूछ अम्बानी टाटा कहाँ है आप लोग का फिर से कब सॉन्ग आएगा सर हमारा सॉन्ग फिर से मैं वही तो आपको नहीं आपको बताया कि हमारे वही डिसाइड करते हैं हम कब निकाले अच्छा एक सेकंड आप लोग बताइए कब वैलेंटाइन डे को वैलेंटाइन डे पे आ रहा है चलो वैलेंटाइन चलो यार ठीक है आपने बोल दिया तो वैलेंटाइन पे आ रहा है ठीक है और OTT पे कब देखते हैं मिलेगा OTT पे बस हमारे यहाँ 3 दिन का पैच वर्क रह गया वो हमने भी करना कॉमेडी शूट उसके बाद बहुत जल्दी रिलीज हो गया है प्रॉमिस कि जैसे ही वो आएगी आप लोगों को हमारा करेक्टर इतना पसंद आएगा तो हमने बहुत डिफरेंट ट्राई किया उसके थोड़ा सा इधर हो जाएगा हम इधर हो जाते हैं सर अभी एकता जी का भी अभी शो आ रहा है रियलिटी शो लॉकअप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आपको अप्रोच किया गया है एकता मैम है वो क्वीन है आई थिंक वो जो भी बनाती हैं वो बेस्ट ही बनाती हैं एंड द बेस्टेस्ट पार्ट इज सागर यस हमारा हमारा जो दोस्त है जो रोडीज करता है जो रोडीज का डायरेक्टर है वो ही वो शो को वेरी इंटेलिजेंट वेरी गुड फ्रेंड आई लव हिम आई नो हिज वर्क वो शो को चला कर ही रहेगा क्या देखने आप लोग आ सकते हो शो में अगर अप्रोच करेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या है और ना अभी उसके बारे में कोई बात नहीं है और मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा सा रोहित शो से ज़्यादा दूसरी जगह फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ में है ही है मैं कभी भी मतलब आगे भी टाइम आने में भी कर सकता हूँ पर अभी जो हम नया कुछ कर रहे हैं अपने लेवल के लिए कुछ नए लोगों के लिए वो मेरे लिए आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होस्ट बॉलीवुड की क्वीन कंगना मैम है तो उसके बारे में कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो कंगना मैम एज अ होस्ट ये बहुत बढ़िया भाई पता नहीं यार हमारा तो रोज प्रपोज डे और रोज हमारा ये डेज होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं जो न्यू लव बर्ड है उनके लिए जो भी न्यू लव बर्ड है कंग्रेचुलेशन गाइस तुम सही जगह पे जा रहे हो बस अपने पार्टनर के साथ हमेशा रहो निब्बा निब्बी निब्बा निब्बी ये कौन है ये मुझे जानना है व्हाट इज निब्बा छोटा जो 13-14 साल के बच्चे उनके लिए बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई नहीं दोगे तो तुम्हारे चूतरलाल कर दिए जाएंगे मार मार के सर सर एक मिनट रुकिए एक क्वेश्चन है सर मैम आ जाए ना अभी साथ में अभी अभी हाल ही में तेजस्वी जी बिग बॉस जीत गए उनके बारे में क्या कहना चाहोगे हाँ हम दोनों बहुत ही हैप्पी हैं कि तेजस्वी जीती है क्योंकि अगर आप मेरे दिल से पूछो तो मेरे लिए करण जीता और मैं थोड़ा बायस हूँ कि करण भी जीते पर घर की ट्रॉफी है घर में आ गई घर में आई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड सब सब डिजर्व करते थे मैंने वही बोला कि तेजा शमिता करण प्रतीक कोई भी जीता उसमें से विनर था सर आप मिले कि नहीं करण भाई मैं करण से मिल चुका हूँ फिर से मिल रहे हैं पर वो थोड़ा अभी जितने ब्रांड्स के साथ हैं जितनी अभी इंटरव्यूज देनी है वहाँ बिजी है दैट्स द रीज़न कि मैं अभी उसके पास घर पे नहीं गया हूँ पर यस सर आपने बोला जैसे घर पे ट्रॉफी है जैसा किशोर मैम और आपका भी सेम सीन है वैसे सेम वैसे ही है किशोर और मैं दो ऐसे लोग थे जैसे मतलब जो बहुत कुछ वो पहले कैश लेके निकले थे और मैं ट्रॉफी लेके निकला तो हम बहन भाई हैं वो कैश मेरे को पकड़ा देगी ट्रॉफी मैं उसको दे दूंगा थैंक यू सर फोटो के लिए रुक जाइए यूविका जी यहाँ पर देखिए ना पांडे के साथ कब आ रहा आपका सॉन्ग पांडे के साथ बहुत जल्दी अभी मैं यार मीने जा रहा हूँ उसको मैंने आज ही बोला कि मैं पासपोर्ट बनवा ताकि तेरे को मैं लेके चलूँ और मैं ये बता रहा हूँ वो पांडे की लाइफ में सबसे अच्छा गाना सबसे बड़ा गाना होगा थैंक यू सर थैंक यू